आशा ने ये क्या लिखा हुआ? ए शांति 2516। चलो सब लोग आ गए हैं, हम स्टार्ट करते हैं। चलो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, टाइप स्टडी लिजर्ड, ठीक है, क्लास रेप्टिलिया। चलो जब हमने टाइप स्टडी फ्रॉग को पढ़ा था तो सारे ही सिस्टम्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब आप लोग अगर उससे कंपेयर करोगे तो आप लोग, आपको लगेगा कि अब चीजें, अभी क्लियर है? यस मैम। थोड़ा सा अटक गया, एक मिनट। तो टाइप स्टडी पढ़ने से पहले हम उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, बीच में अगर आवाज ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है। फाइलम ओके मैम। कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन हो गया नेथोस्टोमेटा, क्लास रेप्टिलिया, सब क्लास डायप्सिडा। डायप्सिडा आपको पता है किस बेसिस पे डायप्सिडा है? जल्दी से बता दो टू कोई एक। टेम्पोरल फेसिट्री। यस, टू टेम्पोरल फेनेस्ट्रे प्रेजेंट है, उसी बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया था दो सब क्लासेस में। ऑर्डर इज स्क्वामेटा, जीनस हो गया हेमीडेक्टाइलिस। अब ये जो लिजर्ड है ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, आजकल हमारे घरों में बहुत ज्यादा है, राइट। इसको बोलते हैं कॉमन हाउस लिजर्ड या फिर कॉमन वॉल लिजर्ड, ठीक है। दीवारों पे, सीलिंग्स पे आप आराम से इनको देख सकते हो। तो हेमीडेक्टाइलस जो है, हेमीडेक्टाइलस जीनस है, इसकी तीन स्पीशीज जो है इंडिया में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ तीन स्पीशीज। हम स्टडी करने वाले हैं जो स्पीशीज हमें नॉर्थ इंडिया में मिलती है, ठीक है, मींस जो हमारे यहाँ पे यूजुअली प्रेजेंट होती है। क्या है वो? हेमीडेक्टाइलस फ्लैवी विरिडिस, ठीक है। और इंडिया जैसे एक वार्म कंट्री है, क्लाइमेट ज़्यादा गर्म रहता है, इसी के साथ साथ और भी जो वार्मर कंट्रीज हैं वहाँ पे ये जीनस मिलता है, श्रीलंका, चाइना, कुछ पार्ट्स ऑफ अमेरिका एंड अफ्रीका, ठीक है। अच्छा, तो इस लिजर्ड को हम गेको लिजर्ड के नाम से भी जानते हैं। गेको लिजर्ड, किसी को कोई आइडिया क्यों बोलते हैं गेको लिजर्ड? नो मैम। गेको लिजर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसकी टंग ऊपर वाली पैलेट पे टच करती है ना, तो एक वॉइस प्रोड्यूस होती है, वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसका नाम है गेको। ये कभी छिपकली को आपने सुना होगा, रात में इस तरह की आवाज आती है, दैट इज अ गेको साउंड, इसलिए इसको हम गेको लिजर्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। आवाजें सुनी है ना रात को लिजर्ड्स की, दैट इज अ गेको यस साउंड। मैम। कहाँ कहाँ पे मिलती है ये? वॉल्स पे, सीलिंग्स पे, सब जगह, हाउसेस, शॉप्स, ऑफिसेस। तो इट इज एक्टिव ड्यूरिंग दी नाइट, क्योंकि किस पे फीड करती है? मस्किटोज पे ज्यादातर, तो रात को ही ज्यादातर मस्किटोज हैं, तो इट इज अ नॉक्टर्नल रेप्टाइल, ठीक है। रेप्टाइल की खास बात है कि वो क्रॉल करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो ये भी एक फीचर है लिजर्ड का ही। कार्निवोर्स है, ज्यादातर किस पे
फीड करती है इंसेक्ट्स पे, ठीक है, वॉल्स पे चल पाती है, किसकी वजह से, एडहेसिव पैड्स की वजह से, ठीक है, जो कि टोज के नीचे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से वॉल्स पे चिपक जाती है। विंटर्स में हाइबरनेट हो जाती हैं, विंटर्स में कोई भी लिजर्ड या बहुत सारे जो रेप्टाइल्स हैं वो मोस्टली हाइबरनेट करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव कलरेशन भी आप लोग देख सकते हो डिफेंस के लिए, कभी कभी जो है इनका कलर बिल्कुल सराउंडिंग के जैसा हो जाता है, हाउसेस में नहीं होता, ठीक है, बट वो इधर उधर अगर कहीं मिलती हैं डार्क एरियाज में, डार्क सराउंडिंग्स में, तो इनका कलर डार्क हो जाता है, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मींस मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं मेल्स और फीमेल्स में, और जो फीमेल्स है वो ओविपेरस हैं, मतलब एग ले करती हैं। किसी ने लिजर्ड्स के एग्स को देखा है? यस मैम, कैसे दिखते हैं, कौन से कलर के होते हैं? वाइट कलर के, बिल्कुल करेक्ट, वाइट कलर के, छोटे छोटे से होते हैं और ग्रुप में ही होते हैं ये, 15 से 20 एग्स एक बारी में एक फीमेल लिजर्ड ले करती है, ठीक है, वाइट डस्टी कलर के बहुत छोटे छोटे से होते हैं। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं मेल्स और फीमेल्स में। मेल्स के पास जो है हेमिपीन्स प्रेजेंट है, पीनस जैसा ही स्ट्रक्चर है, क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कि सिर्फ मेल्स में है और फीमेल्स में क्या है, एब्सेंट, ठीक है। मेल्स जो है वो थोड़े से स्मॉल इन साइज है एज कंपेयर टू दी फीमेल, डार्कर है, फीमेल्स थोड़ी सी लाइट कलर की है, लंबी है और लाइट कलर की है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे, ठीक है। ऑब्वियसली हेमिपीन्स तो नहीं देख सकते, बट हम कलर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट तो आप लोगों ने बहुत आसानी से देखा है, इस टाइम पे इनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, फीमेल्स हैव ब्रॉड एब्डोमेन, देख सकते हो बेली पोर्शन कितना ब्रॉड हो जाता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, क्योंकि एग लेइंग का टाइम हो जाता है। इसी टाइम पे आप छोटे छोटे लिजर्ड के छोटे छोटे से बच्चे भी देख सकते हो इधर उधर घरों में, है ना। मेल्स हैव फिमोरल ग्लैंड, फीमर पे कुछ स्वेलिंग्स हैं, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है सिर्फ मेल्स में, ठीक है। कई बार आप देख सकते हो कि जो फीमर है थाई बोन है मेल्स में, उनकी थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग्स होती हैं थाई बोन में, वो फीमर ग्लैंड्स होते हैं, फिमोरल ग्लैंड्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओविपेरस एग ले करती है, कितने, 10 to 15 to 20 वाइट कलर के छोटे छोटे से एग्स होते हैं, बहुत ही थिन सा शेल प्रेजेंट होता है, क्लियर है? यस मैम। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखे तो हम बहुत आसानी से हमें एक्सटर्नल कैरेक्टर्स सारे के सारे दिख जाते हैं बिल्कुल आराम से, हेड इज प्रेजेंट, टेल इज प्रेजेंट, ये ट्रंक प्रेजेंट है, कर्सर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एरो दिख रहा है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। और ये टेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो बॉडी की डिवीजन हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, हेड, नेक, ट्रंक और टेल क्लियरली हमें विजिबल है, ठीक है। एम्फीबियंस से भी हम थोड़ा थोड़ा कंपेयर करते चलेंगे ताकि याद आ जाए, एम्फीबियंस में नेक एब्सेंट थी बट यहाँ पे स्मॉल नेक इज प्रेजेंट, ठीक है। लिजर्ड्स जो है वो डार्क से ग्रे कलर की है और उनके कई बारी जो है डॉर्सल सरफेस, ऊपर वाले सरफेस पे ग्रे पैचेस भी प्रेजेंट है। आज लिजर्ड्स को ध्यान से देखना, ठीक है, अराउंड 23 to 32 सेंटीमीटर इन लेंथ, इतनी लेंथ की हमें दिखती है लिजर्ड्स, जो फुल्ली ग्रोन लिजर्ड्स हैं, पूरी मेच्योर लिजर्ड्स हैं, ठीक है, सही बात है, बहुत अगली लुकिंग लिजर्ड्स हैं ये, बहुत ही जिनको लिजर्ड्स अच्छी लगती है। उसके बाद हेड की बात करते हैं, हेड इज ट्राइंगुलर, देख सकते हो साइड्स में आईज प्रेजेंट हैं,
आगे की तरफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है। नॉस्ट्रिल्स में बाहर से देखेंगे तो एक्सटर्नल नेरिस है और अंदर से देखेंगे तो इंटरनल नेरिस है, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट है। क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन? लंग्स। तो लंग्स के लिए जो पैसेज बनेगा वो एक्सटर्नल नेरिस के होते हुए इनर नेरिस तक। नेरिस क्या है? नॉस्ट्रिल्स। फोर लिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, आईज पे आते हैं। आईज का बहुत ज्यादा रोल नहीं है जितना कि एम्फीबियंस में था, ठीक है। एम्फीबियंस में जो आईज थी वो कंपैरेटिवली लार्ज थी, यहाँ पे आईज छोटी छोटी, उतना ज्यादा रोल आईज का यहाँ पे नहीं है। आप स्कल में भी देखोगे जो ऑर्बिट्स हैं उनका साइज छोटा है एज कंपेयर टू दी फ्रॉग का स्कल, ठीक है। यहाँ पे भी आईज में देखोगे थ्री आईलिड्स हैं, बीच वाली क्या कहलाएगी? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे बिल्कुल फ्रॉग में था। ऊपर वाली जो नीचे वाली आईलिड्स हैं वो मूव हो सकती है, दे आर मूवेबल। आज आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे लिजर्ड को तो आप देखना, आईलिड्स हैं बहुत हल्की हल्की सी एंड दे आर मूवेबल। ईयर ओपनिंग्स की बात करें तो ईयर ओपनिंग्स वही हैं फेरिंग्स में, बिल्कुल सेम, दो ओपनिंग्स हैं। यूस्टाशियन ट्यूब से ओपनिंग है जैसे कि उसमें थी। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और अंदर की साइड टिम्पेनिक कैविटी। तो ईयर्स को टिम्पेनम भी कह सकते हैं, टिम्पेनम। इधर ओपनिंग्स होती हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग्स। कर्सर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ईयर की ओपनिंग्स, ठीक है। नेक बहुत ही शॉर्ट है, नेक के अराउंड थोड़े थोड़े से फोल्ड्स मिलते हैं, स्किन फोल्ड्स, हम पहचान सकते हैं कि ये नेक है। ट्रंक की बात करें तो नीचे से तो बिल्कुल फ्लैट होता है। लिजर्ड को कभी देखा है उल्टे होके? वेंट्रल साइड से कभी लिजर्ड देखी है उल्टी उल्टी छिपकली देखी है कभी? Yes, वो और ज्यादा अगली लगती है, वो थोड़ी सी और लाइट स्किन कलर की होती है, ठीक है। लेकिन नीचे से देखो क्या बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन जो डोर्सल पोर्शन है वो थोड़ा सा राउंडेड है ना। डोर्सल साइड इज आर्च्ड, उठी हुई है, और जो वेंट्रल साइड है वो स्मूथ है, फ्लैट है, क्योंकि एडहेसिव पैड्स भी प्रेजेंट है और उसको वैक्यूम क्रिएट करना है वॉल के अगेंस्ट, तो उसको चिपकना है ताकि वो नीचे ना गिर जाए। थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है और एट द एंड देयर इज अ क्लोएकल अपर्चर। क्लोएका भी थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू द फ्रॉग्स। लिम्स की बात करें तो लिम्स आर शॉर्ट, पेंटाडेक्टाइल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लिम्स छोटे हैं, लिम्स छोटे हैं क्यों? क्योंकि फ्रॉग्स में काम था जंपिंग का, लीपिंग का, स्विमिंग का, यहाँ पे सिर्फ लिजर्ड को क्रॉल करना है, धीरे धीरे क्रीप करना है, धीरे धीरे चलना है। लिम्स छोटे हैं, पेंटाडेक्टाइल हैं, पांच डिजिट्स हैं, स्ट्रॉन्ग तो चलो स्ट्रॉन्ग तो है ही, ठीक है। फोर लिम्स में सेम डिविजन है, फोर लिम्स में आप देखोगे अपर आर्म है, फोर आर्म है और हैंड है, हैंड में सेम क्या होगा? रिस्ट होगा, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, डिजिट्स। डिजिट्स में क्या है? एडहेसिव पैड्स। ये खास बात है लिजर्ड्स की, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स की। हाइंड लिम्स की बात करें तो वही सेम, थाइज हैं, शैंक प्रेजेंट है मिडिल वाला, और डिस्टल फुट प्रेजेंट है। फुट में भी डिजिट्स हैं और डिजिट्स में यहाँ पे भी एडहेसिव पैड्स हैं, ठीक है। मैम शैंक क्या होता है? शैंक्स आप फ्रॉग में याद करो, अभी फिर से आएगा टाइप स्टडी में, जो ऊपर वाले बड़ी बोन थी वो तो थाई बोन थी, थाई बोन से एक कनेक्ट कर रही थी उसको पैर से, टो से, जो बीच में कनेक्ट कर रही थी उसको बोलते हैं शैंक, मिडल वाली बोन शैंक, ठीक है। हैंड को आप बोल सकते हो मेनस, पिछली बार भी मैंने बताया था मेनस। लिजर्ड्स में एक और खास बात होती है, ये जो लिजर्ड की टेल होती है ना, टेल भी लिटरली कंप्रेस्ड है,
और टेल की क्या खास बात होती है, ये डिटैच हो जाती है, लिजर्ड की बॉडी से डिटैच हो जाती है। इस फीचर को क्या बोलते हैं, और ये डिटैच होने के बाद वापस से ग्रो भी कर जाती है। देखा होगा आप लोगों ने बिना टेल की लिजर्ड्स होती हैं, वो खुद ही लिजर्ड जो है टेल को अलग कर देती है और फिर वो रीजनरेट कर जाती है। तो ये जो रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है लिजर्ड्स में और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में बहुत अच्छे से देखी जाती है। ठीक है, इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कुछ कुछ रेप्टाइल्स में लिम्ब्स को भी रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी होती है, लिम्ब्स को रीजनरेट करने। ठीक है, इसी तरह से एम्फीबियंस में मैंने बताया था, सेलेमेंडर्स में भी लिम्ब्स को रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, रीजनरेशन को हम एक और नाम देते हैं, ऑटोनोमी। क्या नाम देते हैं? ऑटोनोमी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बॉडी वॉल पे। बॉडी वॉल आप बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आउटर स्किन है, आप खुद ही बताओ स्किन में क्या फर्क है एज कंपेयर टू द एम्फीबियंस। स्किन जो है वो डार्क कलर की है। ठीक है, स्किन इज डार्क इन कलर और स्किन है रफ, ऊपर से रफ है। एम्फीबियंस की जो स्किन थी वो मॉइस्ट थी। अब यहीं से डिफरेंस आ जाएगा, वहां पे बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। ठीक है, जो म्यूकस सिक्रीट करते रहते थे, स्किन जो थी वो मॉइस्ट थी। यहाँ पे स्किन जो है वो ड्राई है, क्योंकि उसने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो म्यूकस ग्लैंड्स नहीं है, बाकी बिल्कुल सारी चीजें सेम है। स्किन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाहर एपिडर्मिस है, नीचे डर्मिस है। एपिडर्मिस सेम स्ट्रेटम कॉर्नियम और अंदर वाली है स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम। देख पा रहे हो बिल्कुल सेम चीजें हैं। जर्मिनेटाइवम है, आउटर वाली स्ट्रेटम कॉर्नियम है जो कॉर्निफाइड सेल से बनी हुई है, डेड है आउटर लेयर बिल्कुल। स्केल्स प्रेजेंट हैं, स्केल्स कैसे हैं यहाँ पे, एपिडर्मल या डर्मल? क्या मैम याद करके बताओ स्केल्स कैसे हैं? एपिडर्मल। एपिडर्मल, यस, एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट है। एपिडर्मल आउटर लेयर से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। एक वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे लास्ट लाइन में देखो, द स्केल अंडरगो प्रोसेस ऑफ एक्टाइसिस। एक्टाइसिस क्या होता है? एक्टाइसिस मतलब मोल्टिंग। जो आउटर लेयर है ना वो शेड ऑफ हो जाती है, धीरे धीरे हट जाती है और फिर वापस भी आ जाती है, रीग्रो हो जाती है। बाहर के जो स्केल्स हैं वो उतर जाते हैं, हट जाती है स्किन, इसको बोलते हैं एक्टाइसिस। एक्टाइसिस को आप मोल्टिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये रेप्टाइल्स में, स्नेक्स में तो और ज्यादा देखने को मिलता है। स्नेक की तो पूरी पूरी स्किन एक साथ उतर जाती है बाहर की, फिर नई स्किन आ जाती है, नई एपिडर्मल लेयर आ जाती है। ठीक है, डर्मिस की बात करें तो वही सारी चीजें, ब्लड वेसल्स हैं, क्रोमेटोफोर्स हैं जो कि पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स हैं, पिगमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, नर्व फाइबर्स हैं। डर्मिस के अंदर प्रेजेंट है क्या? मसल्स। मसल्स की बात करें तो स्किन के बिल्कुल नीचे मसल्स हैं, तीन तरह की मसल्स हैं। ये क्वेश्चन किसी से वाइवा में भी पूछा गया था, आप किसी को आया नहीं था। तीन तरह की मसल्स होती है हमेशा, स्ट्राइटेड, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं वो ज्यादातर जो है स्केलेटल, आउटर स्केलेटन में प्रेजेंट होती है, लिम्ब्स में। स्मूथ मसल्स अंदर वाले ऑर्गन्स को कवर करती है, कार्डियक मसल्स हमेशा हार्ट की मसल्स होती है। ठीक है, पेरिटोनियम है, मसल्स के जस्ट बाद पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के जस्ट अंदर सिलोम है, कैविटी है। ठीक है,
ठीक है, तो सिलोम को लाइन कौन कर रहा है? पेरिटोनियम। ठीक, तो जितने भी सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर लेयर हम यही तो बोलते हैं कि पेरिटोनियम है ना। ओके, एक और चीज नोट करो, यहाँ पे क्लॉज देखते हो आप, हाइंड लिम्स और फोर लिम्स के जो डिजिट्स है, डिजिट्स के साइड में क्लॉज देखते हो एंड में, वो किससे बने हुए हैं? एपिडर्मिस। देख सकते हो क्लॉज हैं छोटे छोटे से, लिजर्ड में भी आराम से दिखते हैं हमें, क्लियरली विजिबल हैं। ये किससे बने हुए हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ही बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, उसमें एक्स्ट्रा लेयर्स आ जाती हैं, थिक लेयर्स आ जाती हैं। किससे बनी होती है? केराटिन। और वो क्या बन जाती है? क्लॉज। एक तरह का क्लॉज क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस के लिए। सिलोम सेम, पेरिकार्डियल कैविटी भी कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। मैम मैंने तो अटेंडेंस ले ली और अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका क्या करूं? अच्छा, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे? यस मैम। एक सेकेंड रुको।